हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? तो एक ये ऑनेस्ट टॉक रहने वाली है, कोई मैंने स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, कुछ नहीं बनाया है, सिर्फ आप लोगों को कुछ पॉइंटर्स बताना चाहता हूँ। क्या है वो पॉइंटर्स, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात आप मेरी ध्यान से सुने, अभी ये जो हंगामा चला न्यू कोर्स ओल्ड कोर्स, इसके रिस्पेक्ट में मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। आपको पता है ऐसे हंगामे हर दो साल में तीन साल में एक बार होते रहते हैं। पिछली बार कोविड को लेकर हुआ था, अब इस बार ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स को लेकर हुआ था। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ये सोच रहे होते हैं कि इस हंगामे को मैं भुना लूंगा, इस हंगामे ये हंगामा मेरा शॉर्ट टू फेम है, इससे मैं फेमस होने वाला हूं। मैं उन पर भी बातचीत करूंगा, लेकिन पहले मुझे ना बच्चों से बातचीत करनी, स्टूडेंट से, अपने बच्चों से बातचीत करनी। मेरा हक है तुम्हारे से बातचीत करने का, इसलिए ये ऑनेस्ट टॉक रिकॉर्ड कर रहा हूं। भाई एक मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। क्या मिल गया आप लोगों को? टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताओ। कईयों ने अपने अटेम्प्ट के जो समय था पढ़ने का, वो अटेम्प्ट के एक महीना दो महीना इस पागलपंती में लगा दिया कि हाय न्यू कोर्स आएगा तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, सपने सजा लिए। और मैं कहता हूं यार, हो सकता है मैं गलत हूं, क्या पता न्यू कोर्स ना, क्या पता न्यू कोर्स आ जाए ना, 1% जो चांस है वो सच हो जाए। लेकिन मुझे अब एक बात बताइए, क्या फायदा इन सब बातों का? आप एक एक ही आपको मैं की दूंगा, मुझे मेरे साथ ने दी थी, मुझे मेरे टीचर मेरे गुरु ने दी थी, आज मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं। आप कौन हो? स्टूडेंट हो ना, तो आपका काम क्या है? पढ़ना। आईसीएस जब पेपर लेगा हम देंगे, जो पेपर लेगा हम देंगे, जो कोर्स पेपर लेगा हम देंगे। हमें नहीं पड़ा, हमें लड्डू फर्क पड़ता है कि भाई आईसीए क्या करेगा। लो पेपर हमारा, कौन सा पेपर लोगे, कब लोगे, हम वही तैयार करके आएंगे। हम चिंता में डूबे हुए हैं, न्यू कोर्स आएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब बताओ, तो आपने बच्चों क्या सीखा इस एपिसोड से? अपना समय वेस्ट नहीं करना। और इसका मैं आपको एक बैकग्राउंड भी दूं, कोविड के टाइम पे भी यही हुआ था। पागलों की तरह भाई साहब रातों को वीडियो चल रही होती थी, लाइव सेशन चल रहे होते थे, बच्चे भावलों के बैठे, हाँ नहीं होने देंगे पेपर, ये हो जाएगा। भाई साहब मैं उस समय भी ये बोलता था, शांत रहो, जो पेपर देने जा सकता है आईसीए की कंडीशन को मानते हुए जाकर दिया है, जो नहीं जा सकता है, किसी के घर परिवार में इतनी दिक्कतें थी, हमारे सबके घर परिवार में बहुत दिक्कतें थी, वो ना जाए। तब भी ये कलेश हुए और इतने पेरेंट्स के मेरे पास फोन आए कि देखो हमारा बच्चा तो यूट्यूब पे वीडियो देखता रहता है, वो पेपर के लिए पढ़ ही नहीं रहा है, और अब वो फेल हो गया। जितने बच्चे यूट्यूब और ट्विटर ने उस दौरान फेल कराए थे, कभी किसी ने नहीं कराए होंगे, राइट? और अभी भी ऐसे ही। प्लीज बच्चों मेरी एक रिक्वेस्ट, आप कौन हो अपने आप से पूछो, आप स्टूडेंट हो, आपका काम पढ़ना है, जो आईसीए बोलेगा हम पढ़ जाएंगे भाई चुपचाप से, हमारे हाथ में वो चीजें नहीं है, हमारे ऊपर वो कंट्रोल नहीं है, हमारे पास कंट्रोल नहीं है कि क्या सिलेबस होगा, कब होगा, कैसे होगा। अजी होने दो, हमारा काम है पढ़ना। और यहां पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं, एक तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बारे में, खुद के बारे में समझना है कि भाई आपका काम क्या है, आपको अपने आप को जानना है। आप बहुत गलीबल हो, बहुत वल्नरेबल हो, और उस वल्नरेबिलिटी का और उस गलीबल नेचर का फायदा उठा लिया जाता है, सच में फायदा उठा लिया जाता है। मैं किसी टीचर विशेष पे टिप्पणी नहीं करना चाहता बिल्कुल भी, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आपको रियलाइज हुआ कि सही मेंटोर क्या होता है? सही मेंटोर सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, सही मेंटोर आपको राह दिखाता है, जब आपकी हालत खराब हो रही थी, जब आप डगमगा रहे होते हो, आपको हाथ पकड़ता है आपको, और आपके साथ चलाता है, अपने साथ चलाता है। सही मेंटोर आपको बताता है ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, और वो सही बात बताता है। सही मेंटोर खुद पे भी कंट्रोल रखता है, और साथ में अपने साथ जुड़े हुए जो उसके स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स ना थोड़ा अच्छा वर्ड नहीं लग रहा मुझे, इसमें और कोई डीप वर्ड होना चाहिए, शायद मैं अभी वो क्लिक नहीं कर रहा, मुझे जो एकदम कनेक्टेड लोग होते हैं ना, वो उनको भी भाई साहब कंट्रोल रखना सिखाता है। तो ये एक बात आप समझें, हर दो साल बाद ऐसा कुछ कलेश होगा जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा, जिसके लिए बहुत व्यूज मिलेंगे, वो हर किसी को लगेगा दिस इज माय शॉट टू फेम, और फंसेंगे आप लोग, क्योंकि आप देखो जो वीडियो बना रहा है उसका काम है वीडियो बनाना, उसको लग रहा है कि भाई मैं वीडियो बनाऊंगा पॉपुलर हो जाऊंगा, मुझे व्यूज मिलेंगे, मुझे लाइक्स मिलेंगे, और ठीक है, वो उसका कर्म है। अब वो चाहे उसको गलत तरीके से कर रहा है, सही तरीके से कर रहा है, चाहे वो गलत तरह की वीडियो बना रहा है, सही तरह की वीडियो बना रहा है, वो उसको देखना है। आप अपनी चीज के लिए, और मैं फिर बोल रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष, किसी टीचर विशेष के ऊपर कोई इशारा नहीं करना चाहता, बस मुझे आपसे मतलब है, मेरा मतलब आपसे है, और वो मैं आपको यही समझा रहा हूं कि आप कौन हो, वो उसका काम था यार। टीचर का काम है पढ़ाना, और जो लोग हैं उनका काम है वीडियो बनाना, आपका काम क्या है? पढ़ना, राइट? और देखो मेरी बात को सुनना कि भाई आप लोगों को ये जो अपनी जो आपका एक गलीबल नेचर है इसको कम करना है, अपनी वल्नरेबिलिटी को दिखाना नहीं है। एक बार आपने एक वीडियो देख ली ना, न्यू कोर्स, अब भाई यूट्यूब फेंक फेंक के मारेगा वही वीडियो आपको, फेंक फेंक के, क्योंकि यूट्यूब को पता है ये वही देखना चाह रहा है, इसे वही दिखाओ, हो गई ना गड़बड़।
और आपके दिमाग में फिर वो चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी, और दिमाग और परेशान होता जाएगा। पीस ऑफ माइंड गई, पढ़ाई गई, अटेम्प्ट शिफ्ट हो गए, रिस्पॉन्सिबल आप ही माने जाओगे, कोई आने नहीं वाला आपके पास, कोई भी नहीं आने वाला है, है ना। कंट्रोल रखो दोस्तों, होने दो जो हो रहा है, होने दो जो हो रहा है, हमारे कंट्रोल में है मेहनत करना, पढ़ाई करना, हमारे कंट्रोल में है एक्चुअली में है कि हम ऐसी चीज़ों में ना पढ़ें, है ना। और प्लीज़ किसी भी व्यक्ति विशेष टीचर का नाम ना लें, हर कोई अपना काम कर रहा है यार, बस समझ लो। अब वो उसको लगता वो उसका काम था, उसने किया, जिसने भी किया, मेरे को लगता है ये मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ। और एक बात मैं आप लोगों को और बोलना चाहता हूँ, जिस पे आप लोग हर टीचर को क्रिटिसाइज करते हो, देखो आप बोलते हो ये सर ना मार्केटिंग कर रहे हैं, मुझे ही बोलते हो कि ये ना मार्केटिंग कर, अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये मेरा काम है, ये मेरा कर्म है, मेरा हक है, सिंपल सी बात है। हर टीचर का हक है वो जो कोर्स बना रहा है वो बच्चों तक पहुंचाए, नहीं तो क्या फायदा कि भाई आप लोग पहले कहीं 15-20 हज़ार का कोर्स लेते हो, क्लियर नहीं कर पाते हो, फिर आप हमारे पास आते हो, फिर बोलते हो सर हमें तो पहले पता ही नहीं था, तो कैसे पता चलेगा अगर हम नहीं बोलेंगे तो, और अपने ही प्रोडक्ट के बारे में ना बोले, भूल जाओ, वो हमारा काम है, वो हमारी लुक आफ्टर है। आपको समझ आती है बात, ठीक है आप क्लासेस लीजिए, नहीं आती भाई सब मत लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं और से ले लीजिए, किसी और टीचर के पास ले लीजिए, लेकिन मैं सब टीचर्स के बिहाफ पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ये वाली बात, आप किसी भी टीचर को गलत ना बोले यार, चाहे वो इस एपिसोड की वजह से हो कि भाई टीचर्स ने वीडियोज बनाई, या इस एपिसोड की वजह से हो कि सर टीचर मार्केटिंग करते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं ना, तुम अपना काम कर रहे थे, तुम क्यों गए थे, तुमने क्यों खोली वो वीडियोस, सर हम वल्नरेबल थे, सर हम तो, यही तो सेल्फ कंट्रोल है, मैंने क्यों नहीं बनाई वो वीडियोस, यही तो सेल्फ कंट्रोल है। मेरे से बच्चे, इतने बच्चे मुझसे बैच में पूछते थे, लाइव क्लास मेरी चल रही होती थी सीए फाइनल की, सीए इंटरमीडिएट की, इतने बच्चे पूछते थे बताओ 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 आप अपना ओपिनियन दो, अपना क्यों दूं मैं अपना ओपिनियन, मेरा कोई ओपिनियन मैटर ही नहीं करता, जो मैटर करता है वो ओपिनियन मैटर करता है आईसीआई का, वो मैटर करता है मिनिस्ट्री का, मेरे ओपिनियन से क्या होगा लड्डू। तो प्लीज समझिए, जहां पे ओपिनियन की, आपके ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है, आपके ओपिनियन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वहां ओपिनियन काय को देना है, कंट्रोल रखने का है। और मैं उम्मीद करता हूं, मेरी दिल से उम्मीद है कि आप लोग सीखें इस एपिसोड से और आगे भी अपने जूनियर्स को सिखाएं कि भाई साहब कुछ नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ दिमाग की दही होती है, राइट। मैं अपना काम करता रहा, मैंने देखो सीए फाइनल का ऑडिट का बैच लॉन्च कर दिया, सीए फाइनल ऑडिट की स्टैंडर्ड की कलर्ड बुक विद क्वेश्चन बैंक बना डाली, अपनी एसएमबी बुक कलर्ड कर डाली, मैं अपना काम करता रहा, आने दो न्यू कोर्स, और सोचो मैं रुक जाता भाई यार अब तो न्यू कोर्स आ रहा है क्या करना है बुक को चेंज करके, अरे आएगा तो उसकी भी बनाएंगे, अभी जो है मैं उस पर काम करूंगा, बात खत्म, मेरे पास जो है मैं उस पर काम करूंगा, और अभी भी मैं सीए फाइनल की ओल्ड कोर्स की बुक बनाऊंगा कलर्ड वाली, चाहे एक ही अटेम्प्ट क्यों नहीं बचा है, क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, बात खत्म, वो मेरा काम है। आपका काम क्या है सोचिए बैठ के, उम्मीद करता हूं ये क्लियर है। मैं अपना देखो, मेरा कोई मैल इंटेंशन यहां पे नहीं है आपके प्रति या किसी के भी प्रति, बस मैं अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता था, रखना चाहता था। पढ़ो भाई पढ़ो, मेहनत करो, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिला, सोशल मीडिया पे हवाबाजी करके, हैशटैग चला के, फेक अकाउंट्स बना के कुछ नहीं मिलने वाला किसी को। आपने फन के लिए बना रखा है, बात कंप्लीटली डिफरेंट है। आपने किसी को रगड़ने के लिए बना रखा है, किसी को बॉयकॉट करने के लिए बना रखा है, किसी के परिवार के बारे में, किसी के घर के बारे में लिखने के लिए बना रखा है, आईसीआई को कोसने के लिए बना रखा है, कोई फायदा नहीं मिलने वाला उससे। फायदा मिलेगा जो चीजें अपने कंट्रोल में है उन पे फोकस करने से, ठीक है। चलिए विद दिस नोट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट भाई, कोई बुरा ना माने, मैं बस जो बोलना चाहता था मैंने आके बोला, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं, सब अच्छे हैं, सब ने जो करना था वो कर दिया, आपने क्या किया ये बताओ, आपने क्या करना था आप वो कर रहे होगे नहीं, बस ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद, और हाँ मित्रों सीखते रहे, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू, बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।